नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वर्षंकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नवीपेट पुणे। आज हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जब हम बच्चा बनाते हैं और शरीर के बाहर बच्चे का ग्रोथ हो जाता है तो वो कौन से मशीनरी में होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी सबसे पहली बात यह है कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो पहला सर्जरी जो होता है वो ओवम पिकअप का होता है, जो हमने पहले वीडियोस में भी देखा है, जिसमें हमने जो अंडे तैयार किए हैं इंजेक्शन देके वो हम शरीर के बाहर ऑपरेशन करके निकालेंगे, उसमें पति का वीर्य डाल के IVF या ICSI तंत्र ज्ञान इस्तेमाल करके हम बच्चा बनाते हैं। ये जो बच्चा या गर्भ बनता है ये 3 से 6 दिन तक शरीर के बाहर हमें बढ़ाना पड़ता है। जब बच्चा बढ़ाते हैं तो जो हम इंस्ट्रूमेंट या मशीन इस्तेमाल करते हैं उसे इंक्यूबेटर कहते हैं। ये इंक्यूबेटर मशीन जो है इसका तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, गैसिंग एग्जैक्टली यूट्रस या गर्भ थैली या गर्भकोश जैसा रहता है। इसका मायना ये है कि जब हम बच्चा बाहर बनाते हैं तो कृत्रिम गर्भकोश या इंक्यूबेटर में बच्चा पूरी तरह से बढ़ता है और 6 दिन तक बच्चा ब्लास्टोसिस स्टेज तक बढ़ाया जाता है। इसका एडवांटेज या उसका ये है कि जब बच्चा बाहर बढ़ता है तो वो आम तरह से अच्छी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं, इसका चेक भी हो जाता है। इसका ग्रोथ जो है जिस तरह से बच्चे ने अच्छे से बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ग्रोथ कम नहीं पड़ रही है ना, फ्रैगमेंटेशन है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो बच्चा प्रत्यारोपण मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के पहले हमें जब बच्चा इंक्यूबेटर में होता है तभी दिखाई पड़ता है। तो इंक्यूबेटर ये टेस्ट ट्यूब बेबी तंत्रज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मशीन है और वो बेस्ट क्वालिटी का अगर हो तो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट और ज्यादा अच्छे से बढ़ पाता है। धन्यवाद।